बड़ी शिद्दत से इंतजार था नोकिया X6 का और नोकिया X6 चाइना में लॉन्च हो चुका है, लेकिन वीवो ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है, हमें उम्मीद नहीं थी कि भैया वीवो जैसी कंपनी इतने सस्ते रेट में इतना अच्छा मोबाइल लॉन्च करेगी, लेकिन ये फोन भी चाइना में लॉन्च हुआ है। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं नोकिया X6 वर्सेस वीवो Z1। आज के वीडियो में आपको हर एक चीज पता चल जाएगा, तो फिर इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। ये वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। इन दोनों डिवाइस में एक चीज सेम है, वो है नॉच, वही नॉच जो आपको आईफोन 10 में मिलती है। यदि हम स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो नोकिया के X6 में आपको मिलता है 5.8 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, वो भी नॉच के साथ, और ये है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और साथ में आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन। यदि हम बात करते हैं वीवो के Z1 की तो वहां पर आपको मिल रही है 6.25 इंच की फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और बैक साइड यदि आप देखते हैं तो दोनों में ही आपको ड्यूल कैमरा मिल जाता है, लेकिन दोनों फोन में जो कैमरे की पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग है। आपको नोकिया में बीच की तरफ कैमरा मिलता है और आपको वीवो के Z1 में कॉर्नर में ऊपर की तरफ आपको कैमरा मिलता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं ये दोनों ही फोन बड़े कमाल के देखने में लगते हैं। इन दोनों ही फोन का सबसे हाई लाइटिंग फीचर है इसका कैमरा। यदि आप जाते हैं नोकिया X6 की तरफ तो वहां पर आपको मिल जाता है 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा, और ये कैमरा है AI बेस्ड, और इस कैमरे का जो अपर्चर है वो है F2.0, और यदि आपको पसंद है सेल्फी लेना तो यहां पर आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, कमाल की सेल्फी आ जाएगी, कमाल के पोर्ट्रेट मोड वाले इसमें आपको इमेज आ जाएगी, और इसका अपर्चर है F2.0, मतलब नोकिया का कैमरा बहुत ही जबरदस्त है। यदि आप आते हैं वीवो के Z1 की तरफ तो यहां पर आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा, और ये कैमरा भी AI बेस्ड है, और इस कैमरा का जो अपर्चर है वो है F2.4, और यदि आपको सेल्फी लेनी है तो यहां पर आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और जिसका अपर्चर है F2.0। वैसे मेरे हिसाब से इन दोनों फोन के कैमरे बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन जो क्वालिटी होगी वो आपको नोकिया के X6 में ज्यादा अच्छी मिलेगी, और हम ये भी जानते हैं वीवो और ओप्पो के कैमरे बहुत ही अच्छे होते हैं, तो मेरे हिसाब से इन दोनों फोन के कैमरे बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। अब जो अगली बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है परफॉर्मेंस। यदि आप आते हैं नोकिया के X6 में तो यहां पर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 636 वाला प्रोसेसर एड्रिनो 509 के साथ, और यही प्रोसेसर आपको मिलता है रेडमी नोट 5 प्रो में, एसस के जेनफोन मैक्स प्रो में, लेकिन वीवो ने इस बार कमाल कर दिया है। यहां पर आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर एड्रिनो 512 के साथ, और परफॉर्मेंस के मामले में यहां वीवो किलर होने वाला है। किलर कैसे, इसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि नोकिया के X6 में जो स्नैपड्रैगन का 636 मिल रहा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन इन दोनों फोन में डे टू डे लाइफ में आप कुछ भी करते हैं, चाहे मल्टीटास्किंग करें, चाहे गेम खेलें, सब कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। अब जो अगली बात है वो है बैटरी। वैसे नोकिया के X6 में आपको थोड़ी सी कम बैटरी मिल रही है, यहां मिल रही है 3060 mAh की बैटरी, और वहीं यदि आप आते हैं वीवो के Z1 में तो वहां पर आपको मिल रही है 3260 mAh की बैटरी, लेकिन नोकिया का X6 क्विक चार्जिंग 3 को सपोर्ट कर जाता है और आपको टाइप सी भी मिलता है। इसका मतलब नोकिया के फोन को आप जल्दी से चार्ज कर सकते हैं, और नोकिया ये कहता है कि आपको यदि 50% बैटरी चाहिए तो आपको फोन को लगाना पड़ेगा केवल आधे घंटे, और आपका फोन आधे घंटे में बहुत ही जल्दी से चार्ज हो जाएगा। अब आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर की बात। वैसे आपको नोकिया में मिल जाता है ओरियो 8.1 का सपोर्ट, और सेम यहां पर भी आपको मिलेगा ओरियो 8.1 का सपोर्ट, और यहां पर आपको मिल जाएगा फन OS जो है वीवो का। और कमाल की चीजें ये होने वाली हैं कि यहां पर आपको कुछ जेस्चर्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रैम की और प्राइस की। वैसे आपको नोकिया के X6 में मिल जाती है 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी वाला फोन लगभग 14,000 रुपए का, और यहां पर एक वेरिएंट आता है 4GB और 64GB वाला, वो आपको पड़ जाएगा 16,000 रुपए का, और यदि आपको 6GB और 64GB की इंटरनल मेमोरी चाहिए
तो वो आपको लगभग 20,000 का पड़ जाएगा। लेकिन वहीं यदि आपको Vivo का Z1 लेना है तो वहां पर आपको मिल रही है 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी वाला फोन लगभग 20,000 रुपए का। अब आप बताइए आप किस फोन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों फोन इंडिया में नहीं चाइना में लॉन्च हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी से ये इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। मेरे हिसाब से अगले 2 से 3 महीनों के अंदर ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। आप किस फोन को लेना चाहेंगे, क्या आप नोकिया के X6 में जाएंगे या आप जाएंगे Vivo के Z1 की तरफ? क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे और क्या आप सोचते हैं इन दोनों फोन के हिसाब से, सब कुछ इस वीडियो में बता दीजिएगा। चलिए, ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।